अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ छोला पूरी, जिसके लिए मैंने ये लिया है आधा किलो छोला लिया है, छोला चना। इसमें आधा छोला चना है और आधा मटर है। ये मैंने पहले से उबाल के रख लिया है। ये कुछ मसाले हैं, जैसे ये है पचफोरन, इससे मैं बघारूँगी। ये कटी हुई प्याज है, ये कुछ करी लीव्स हैं सूखे हुए, ये है कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस करी हुई अदरक, तीन बड़े साइज के टमाटर कटे हुए हैं, ये है हींग, ये रायते के लिए दही है, ये है कसूरी मेथी और ये है कुछ ड्राई स्पाइसेस जो मैं पकाते टाइम बताऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तेल अब गर्म हो गया है, अब हम इस तेल में पचफोरन डालेंगे, जिसे कुछ लोग खड़ा करेले का मसाला भी कहते हैं। ये सुनहरा हो जाएगा। हाँ, तो अब ये देखिए, ये लाइट सा इसमें पिंक कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और फ्लेम को हम एकदम लो पे कर देंगे। अब हम डालेंगे कटी हुई प्याज। और ये कद्दूकस की हुई अदरक। फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे करेंगे। इस मसाले को हम भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये एक तेज पत्ता और इतनी छोटी सी दालचीनी की लकड़ी। अब हम इसमें करी लीव डालते हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पड़ेगी, क्योंकि हल्दी जो है उबलते टाइम भी पड़ी थी। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये मसाले डालकर हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे ये कुछ कटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि छोला उबलने में भी नमक पड़ा था, बाद में फिर एक बार टेस्ट कर लेना है। थोड़ी सी हींग पड़ेगी। अब हम इस मसाले में थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये टमाटर और प्याज इसी में थोड़े गल जाएं। अब आप देख सकते हैं ये मसाला अच्छी तरह से भून रहा है। इसको थोड़ा हाथ से मैश कर लेंगे, चम्मच की सहायता से इसे इस तरह से मैश कर लेना है। हाँ, तो ये मसाला भून चुका है। देखिए, ये भून के कुछ इस तरह का हो गया है। हल्का सा मैश इसको कर लेना है। अब हम इसमें डालते हैं उबले हुए छोले। फ्लेम को हम हाई पे ही रखेंगे। ये पंजाबी छोले बहुत ही टेस्टी लगते हैं, पंजाबी स्टाइल के छोले हैं ये, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये छोला पक रहा है, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। देखिए कैसे बबल्स आ रहे हैं इसमें। अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे छोला मसाला। थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे, ऐसे करके ये डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं और इसका नमक चख लेना है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब हम रायता और पूरी बनाने की तैयारी करते हैं।
हम दही का रायता बनाते हैं। इसके लिए पहले हम दही को फेंट लेते हैं। एक कटोरी दही मैंने लिया है, इसको फेंट लेते हैं। अब इस दही में हम डालेंगे जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा क्वार्टर टी स्पून काला नमक डालेंगे और इसे मिक्स करते हैं। महीन कटी हुई हरी मिर्च और घिसी हुई अदरक है थोड़ी सी, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और ऑमलेट में जैसे प्याज काट के पड़ती है उस तरह से प्याज काट के रखी है वो डाल देते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और रेगुलर नमक जो आप यूज करते हैं वो थोड़ा सा पड़ेगा, काला नमक भी इसमें पड़ा है इसलिए इसको चख लेना है। बस ये रायता रेडी हो चुका है। चलिए अब हम पूरी का आटा गूंथते हैं। चलिए अब हम पूरी का आटा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आटा लेंगे, इसमें एक चम्मच घी डालेंगे, इतना नमक डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। बस ये इतना कड़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत पतला। वो हम इसमें हल्का से घी ऊपर से लगा के इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब ये आटा सेट हो चुका है। अब मैं इसकी पूरियां बनाती हूँ। इसको इसके पेड़े मैं ऐसे ऐसे काटूँगी। अब हम पूरियां बेलते हैं। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है, थोड़ा और गरम होगा अभी, ये 2 मिनट और लगेगा गरम होने में। बस ये पूरी बेल चुकी है, तेल गरम हो जाए तो हम इसमें डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक पूरी इसमें डाल के फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स छोला पूरी अब रेडी हो चुका है, डिश आउट हो चुका है। ये पंजाबी स्टाइल छोला बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी बनाएं और खाएं। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको छोला और पूरी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।